गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.5, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, योग या घटाने को उचित रूप से लिखो। तो देखो, अगर अपनी ये भिन्न बन रही है 1, 2, 3, 4, 5, इसमें से एक शेडेड है यानी 1/5, इसमें दो शेडेड है यानी 2/5, और ये हो रहा है 3/5। इसका मतलब है इन दोनों को जोड़ा तो आया 2/3/5, हो गया, चिन्ह लगा दिया हमने। अगला देखिए, इसमें ये पूरा है 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5/5, ये है कितना 1, 2 और 3/5, और ये आ रहा है 2/5। इसका मतलब है 5, यहाँ चिन्ह क्या लगेगा, माइनस का। इसका मतलब है 5/5 में से माइनस कर रहे हैं 3/5, तो उत्तर आ रहा है 2/5। आगे गए, इसमें देखो ये है 2/6 और यहाँ आ रहा है 3 शेडेड है यानी 3/6, और यहाँ शेडेड है 1, 2, 3, 4, 5/6। इसका मतलब है इन दोनों को जोड़ा जा रहा है तब इधर आ रहा है 5/6। अगला देखो, हल करो। हल करो मैं आपको पता है ऊपर वाला नंबर होता है अंश और नीचे वाला होता है हर। अगर सब में हर समान है, जैसे देखो इसमें नीचे दोनों में 18 या दोनों में 15, दोनों में 4 है, दोनों में 7 है, या इधर इस तरह से, तो अगर समान है तो फिर जो निशान लग रहा है ना वो लगा के ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं और नीचे को वैसा का वैसा लिख देते हैं। जैसे ऊपर 1 और 1 2+ है और नीचे 18 ही आएगा। यहाँ पे भी 8 में 3 जोड़ा 11/ नीचे 15 आएगा। नीचे वाली संख्या नहीं जुड़ेगी, घटेगी भी नहीं ना जुड़ेगी। यहाँ 7 में माइनस का निशान है तो 7 में से 5 गए 2 और नीचे वैसे की वैसे ही आता है, क्योंकि आपने देखा ना इसमें आता है। अब 1 में से 0 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, 1/4। अब यहाँ पे देखो, आपको 1 - 2/3 दिया हुआ है, तो 3/3 बराबर, इसको हम यूं लिख सकते हैं 3/3 बराबर भी 1 के ऊपर 3 से 3 कट जाएगा तो 1 ही आएगा, तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 3/3 - 2/3। अब देखो 3/3 में से 2/3 घटाए तो कितना बचेगा, 1/3 आंसर। अब इसको भी अपन ऐसे देखें तो एक तरफ 3 - 12/5, तो अपन इसको क्या करें, नीचे बटे में 5 लाने के लिए ऊपर 5 से गुणा कर देते हैं, यानी देखो इसको इस तरह से कर देते हैं 3 × 5 और बटे में 5 लिया है, तो 5/5 गुणा करेंगे तो ये का ये आ जाएगा, 3 5 से 5 कटता है तो, और -12/5, तो अब कितना हो गया ये देखो -12/5। अगर अपन इसको लिखे तो 5 3 15/5 - 12/5, अब 15 में से 12 निकल गए तो कितने बचे, 3/5 हो गया। इसके बाकी के क्वेश्चन आप खुद करेंगे। शुभम ने पेंट किया 2/3 भाग, उसने एक दीवार का पेंट किया, माधवी ने 1/3 भाग किया, तो कुल पेंट कितना हुआ, तो कुल पेंट हुआ 2/3 + 1/3, टोटल मिला के जोड़ा तो 2 और 1 3, 3/3, जब दोनों ऊपर नीचे समान संख्या हो तो आंसर आता है 1, तो यानी पूरा 1 भाग उन्होंने कर दिया। रिक्त स्थान, अब आपने को ये देखना है कि 7 में ऐसा क्या घटाएं कि 3 बचे, तो अपन क्या करें, जब घटाओ वाला है ना तो इसमें से ये घटा के देखो तो कितना बचेगा, 7 में से 3 गए तो 4, ठीक है, और 1/10, क्योंकि नीचे का तो छेड़ते ही नहीं अपन, हर समान है इसलिए। यहाँ पे 3/21 में किसमें से इसको घटाए कि ये आए, तो इन दोनों को जोड़ दो। देखो पहला घटाव के अंदर, जब ये बटे में घटाव है और रिक्त स्थान निकालना है, तो अगर पहला नंबर निकालना है, ये दूसरा नंबर निकालना है, तो पहले को बराबर वाले से घटा दो, लेकिन अगर पहला नंबर निकालना है, ये वाला निकालना, तो इन दोनों नंबर को जोड़ के लिखो, 5 और 3 8/21। अब देखो 8 में से 3 गए तो 5 आ गया, आप वैसे भी माइंड लगा के भी कर सकते हो। अब ये देखो 3/6 ही रखना है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या लिखे हम, 0/6 में से माइनस करेंगे, या तो 0/6 लिखे या फिर हम लिखे इसके अंदर 6/6, अब 6 में से 3 गए तो 3/6, तो 6/6 लिखो। अगला है दोनों में 27 है, तो यहाँ प्लस का निशान है, तो इन दोनों को जोड़ने पर इधर क्या आ रहा है, तो 12 और 5 17/27। अब है अगला क्वेश्चन पांचवा, जावेद को टोकरी का 5/7 भाग संतरे मिले, टोकरी में शेष भाग कितना है, तो मान लेते हैं कि कुल था 1, उसमें से जावेद को मिले 5/7, तो शेष कितना रहेगा, तो अपने को ऐसे
नहीं लगा पा रहे, यहाँ तो कुछ है ही नहीं नंबर, हम इसको क्या करें, यहाँ सात है ना, तो ऊपर वाले को भी सात, एक को सात बटे सात से गुणा कर दो, यानी एक गुणा सात बटे सात माइनस पांच बटे सात हो गया। अब सात एक सात और नीचे भी सात हो गया, और यहाँ पे हो गया पांच बटे सात, सात में से पांच गई तो दो बटे सात भाग जो संतरे हैं वो शेष रह गए टोकरी में। ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।